बड़ी खबर आप जान लीजिए। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी का मामला है। जेडीए चला रहा आरोपी के घर पर बुलडोजर। आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर चला है। शिव मंदिर परिसर में आरोपी ने किया था अवैध कब्जा। इसी अवैध कब्जे पर जेडीए बुलडोजर चला रहा है। बुलडोजर कार्रवाई यहां पर सामने आई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी का पूरा मामला है। जेडीए आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। आरोपी है, नाम है नसीब चौधरी, जिसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। दरअसल शिव मंदिर परिसर में आरोपी ने अवैध कब्जा किया था और इसी अवैध कब्जे पर अब जेडीए की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के कड़नी विहार मंदिर में जिस तरीके से आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, चाकूबाजी की गई आरएसएस कार्यकर्ताओं पर, उसके बाद आपने देखा किस तरीके की तस्वीरें मौके पर बनती हुई नजर आई। और अब अपडेट ये है कि जेडीए अब आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। आरोपी नसीब चौधरी, जिसका नाम है, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। शिव मंदिर परिसर में आरोपी ने अवैध कब्जा किया था और उसी अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई, जेडीए की बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। ज्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सोमू, और क्या जानकारी आपके पास? ये आरोपी के घर पे कल ही नोटिस उसको जारी किया गया था, और क्योंकि ये पूरा निर्माण जो है वो अवैध बताया जा रहा था, और इसी अवैध निर्माण की वजह से उस दिन का विवाद भी हुआ था, जिसमें चाकूबाजी में लोग घायल हुए थे। 8 लोग घायल हुए थे, उनमें से 6 लोगों को इसमें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो जेडीए ने कल ही नोटिस जारी करके बुलडोजर कार्रवाई की बात की थी, और आज सुबह के बाद से ही ये कार्रवाई जो है वह की जा रही है। जो अवैध निर्माण है, जेडीए के मुताबिक उसको हटाया जा रहा है। आरोपी नसीब चौधरी का घर जो है वो पूरी तरह से अवैध निर्माण है, ऐसा बताया जा रहा है जेडीए की तरफ से, और इसी को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। कब से कार्रवाई चल रही है और आरोपी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आरोपी क्योंकि अभी पुलिस की गिरफ्त में है, वो अभी जेल में है, और इसलिए उसके घर पे जो कार्रवाई हो रही है उसमें पहले नोटिस जरूर जारी किया गया था। तो बहुत साफ है कि क्योंकि ये अवैध निर्माण है, आसपास के लोग पहले भी यही बता रहे थे, और इसी को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। जो पिछला हिस्सा है उसको अभी पूरी तरह से हटाया गया है, क्योंकि जेडीए ने जितने इलाके को इसमें चिन्हित किया है अवैध निर्माण के रूप में, उसको हटाने की कवायद जो है वह की जा रही है, और अब से थोड़ी देर पहले ही यह कार्रवाई शुरू हुई है। बिल्कुल, आरोपी के घर पर ये बुलडोजर कार्रवाई सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये वही आरोपी है जिसने हमला किया, जिसका नाम है नसीब चौधरी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में अभी बताया जा रहा है, जिसकी जो जानकारी अभी सोमू आनंद दे रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में नसीब चौधरी है, इसके घर पर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई सामने आई। अवैध तरीके से इसने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। ये कब से किया हुआ था अवैध कब्जा, इसको लेकर जानकारी सामने आई है? देखिए, इसने जो घर बनाया था ये अवैध कब्जे के तहत ही बनाया था, और इसके साथ साथ अन्य मामलों में भी ये पुलिस में वांछित रहा है। एक अन्य मामले में भी ये आरोपी रहा है, और उसके साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं जो घायल भी उस वक्त जिनसे हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ये इस तरह के कई सारे मामलों में संलिप्त रहा है, और खास तौर पे कई तरह के अवैध कब्जे इसने कर रखे हैं, और उसी में इसे यहाँ जो मंदिर के परिसर में ही, परिसर के पास में इसका घर था, वह भी अवैध कब्जे करके इसने बनाया था, और इसी को लेकर के जब उसमें वहां पर कार्यक्रम हो रहा था तो इसने वहां पर व्यवधान डालने की कोशिश की, और वो कार्यक्रम जब हो रहे थे तो उसको रोकने का प्रयास किया, और बाद में फिर लोगों पर हमले किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो आरोपी के घर, जिसका नाम है नसीब चौधरी, पुलिस की गिरफ्त में आई है, इसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई सामने आई, अवैध कब्जा इसने किया हुआ था, यहाँ पर इसने घर बना रखा था, और यहीं पर ये एक्शन, जेडीए का बुलडोजर एक्शन कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने।